अनुपमा सीरियल में काम कर रहे टीवी एक्टर रुशद राणा ने 43 साल की उम्र में शादी रचा ली है। रुशद ने कुछ साल पहले बनी गर्लफ्रेंड केतकी बलाकर के साथ पूरा जीवन बिताने का फैसला कर लिया है। केतकी और ऋषभ ने 4 जनवरी के दिन शादी कर ली है और इन दोनों ने 4 जनवरी का दिन क्यों चुना, इसके पीछे भी एक मजेदार किस्सा है। दरअसल रुशद राणा की ये दूसरी शादी है। इससे पहले रुशद राणा ने साल 2010 में खुशनम के साथ शादी कर ली थी। शुरुआत में तो रुशद और खुशनम का वैवाहिक जीवन काफी अच्छे से चल रहा था, फिर धीरे धीरे अनबन के चलते रुशद और खुशनम ने 3 साल बाद साल 2013 में तलाक ले लिया। उसके बाद रुशद ने अनुपमा सीरियल में काम करना शुरू किया और ठीक 4 जनवरी 2022 को रुशद और केतकी की मुलाकात हुई। दरअसल केतकी अनुपमा सीरियल के लिए एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर काम करती है। शादी से कुछ दिनों पहले रुशद ने एक न्यूज पोर्टल से ये कहा कि मैं अपनी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। हम आज से ठीक 1 साल पहले 4 जनवरी को मिले थे, इसलिए हम दोनों ने मिलकर 4 जनवरी के दिन शादी करने का फैसला किया। 2013 में डाइवोर्स के बाद मैं फिर से शादी करने के लिए काफी कतरा रहा था। उसके बाद मुझे काफी कमिटमेंट इश्यूज रहते थे, पर जब से मैं केतकी से मिला हूँ सब कुछ एकदम से परफेक्ट लगने लगा है। और मजे की बात तो ये है कि हम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया और अब शादी की पहली तस्वीरें सामने आ रही है और दोनों की जोड़ी भी काफी खूबसूरत लग रही है और शादी के जोड़े में दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं। इन दोनों की शादी मराठी रीति रिवाजों के साथ हुई है। रुशद पारसी है और केतकी महाराष्ट्रियन है। रुशद और केतकी ने काफी करीबी दोस्तों को इनवाइट किया था। इस शादी में अनुपमा सीरियल की पूरी कास्ट शामिल हुई थी। केतकी काफी सालों से टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और रुशद ने भी टीवी सीरियल और बहुत सी फिल्मों में काम किया है। दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे। बॉलीवुड में इस मौके पर इनकी शादी की काफी चर्चा हो रही है।